आज हमें डिस्कस करना है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में दो चीजें हैं, एक तो है आपका कैश बजट और कैश फोरकास्ट, और दूसरा है कैश मैनेजमेंट मॉडल। दो मॉडल्स हमारे सिलेबस में हैं, एक कहलाता है बॉमल्स मॉडल और दूसरा कहलाता है मिलर और मॉडल। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं तो हमें ये पता है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो इशू है वो होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है या लिक्विडिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर कैश की बात करें तो शॉर्टेज ऑफ कैश के भी प्रॉब्लम होते हैं और एक्सेस कैश के भी प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल शॉर्टेज ऑफ कैश होता है तो फिर हम ये बात करते हैं कि जी फंड्स कहाँ से रेज किए जाएं, और अगर एक्सेस कैश आता है तो हम बात करते हैं वेयर टू इन्वेस्ट। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं कि शॉर्टेज जो क्रिएट होती है उसका रीज़न होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपने सही यूटिलाइज नहीं किया, आपके कस्टमर आपको टाइमली पे नहीं कर रहे जिसकी वजह से हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, आपकी इन्वेंट्री बिक नहीं रही हो जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, एंड सिमिलरली अगर आपकी ये तमाम चीज़ें जल्दी जल्दी बिक रही हैं तो आपके पास सरप्लस क्रिएट हो रहा है, और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल पॉजिटिव हो लाइक 50 डेज, और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव हो लाइक फॉर एग्जांपल 20 डेज माइनस के अंदर। तो अगर किसी कंपनी की वर्किंग कैपिटल साइकिल नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है उसके पास सरप्लस कैश बचेगा, इसका मतलब है इन्वेंट्री से जल्दी पैसा आ रहा है, रिसीवेबल से जल्दी आ रहा है, और पेएबल्स को हम डिले करके पे कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले से चलते हैं हम कैश बजट की तरफ, कैश फोरकास्ट या कैश बजट। बजट जो भी बनाया जाता है वो प्लानिंग पर्पस के लिए बनाया जाता है। अब जब कैश बजट कंपनी बनाती है तो उस बजट के अंदर दो चीजें कंसिडर करती है, एक्सपेक्टेड रिसीट्स और एक्सपेक्टेड पेमेंट्स। रिसीट्स की हम बात करें तो रिसीट्स के अंदर हमारी कैश सेल्स आ जाती हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर आ जाता है जो क्रेडिट सेल से आता है, और इसके अलावा इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव ये हमने कैश फ्लो में भी किया था। और अगर फॉर एग्जांपल हमने कोई एसेट सेल किया है तो डिस्पोजल ऑफ एसेट से भी कैश रिसीव होगा। सिमिलरली अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो कैश परचेजेस, कैश पेड टू सप्लायर, इसी तरह कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की पेमेंट, इसी तरह इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, टैक्स पेड और अदर पेमेंट्स। हम एक टाइम फ्रेम सेट करते हैं और उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम बजट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इसका एक प्रोफॉर्मा होता है, फॉर एग्जांपल मैं 3 महीने का बजट प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ मैं दिखाऊंगा सबसे पहले उस परफॉर्मेंस में रिसीट्स। अब फॉर एग्जांपल मैंने कैश सेल्स दिखाई यहाँ पर, अच्छा कैश सेल्स जिस महीने में होंगी उसी महीने में कलेक्ट हो जाएंगी तो वो मैंने उसके रिस्पेक्टिव मंथ में लिख दी। क्रेडिट सेल्स जिस महीने में होंगी उस महीने में रिसीव नहीं होंगी, तो क्रेडिट सेल्स का हमें टाइमिंग का ऑर्डर पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं
वन मंथ क्रेडिट टर्म है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगले इसका महीने मतलब है दिसंबर की जितनी भी सेल्स हुई होंगी उसकी कलेक्शन जनवरी के अंदर आएगी, जनवरी की फेब में आएगी और फेब की मार्च में आएगी। तो हमने अपनी तमाम रिसीट्स को कलेक्ट किया और ये हमारे पास आ गई टोटल रिसीट्स। उसके बाद हम अपनी पेमेंट साइड पे जाते हैं और पेमेंट साइड पे जाके यहाँ पर जितनी भी पेमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल कैश परचेजेस जितने महीने में, जिस महीने में होगी उसी महीने में दिखाएंगे, और क्रेडिट परचेजेस में क्रेडिट पीरियड दिया हुआ होगा हमें, उस क्रेडिट पीरियड के हिसाब से दिखाएंगे। अगर कोई हमने मशीन परचेज की तो उसकी पेमेंट जिस महीने के अंदर होनी होगी वहाँ दिखा देंगे। अगर हमने कोई टैक्स पे किया तो वो हम अकॉर्डिंगली दिखा देंगे। इस तरह सारी पेमेंट्स दिखाई और फिर पेमेंट्स का टोटल किया, तो ये हमारी टोटल पेमेंट्स आ गई। ये आइडेंटिफाई करने के बाद, याद रहे ना, ये एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, एक्सपेक्टेड है। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी रिसीट्स में से पेमेंट्स माइनस करेंगे। सरप्लस भी आ सकता है, डेफिसिट भी आ सकता है। रिसीट्स अगर कम होंगी, पेमेंट अगर ज्यादा होंगी तो डेफिसिट आ जाएगा, रिसीट्स अगर ज्यादा होंगी तो सरप्लस आ जाएगा। फिर हम इसमें अपना ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास पहले मंथ का एंडिंग बैलेंस आ जाएगा। फिर ये एंडिंग अगली दफा के लिए ओपनिंग बनेगा, फिर एंडिंग आ जाएगा, फिर ओपनिंग बनेगा और फिर एंडिंग आ जाएगा। ये है इसका प्रोफॉर्मा, ठीक है? एग्जाम में ये पॉसिबल हो सकता है कि वो पूरा प्रोफॉर्मा बना के दे दे और ये चीज मिसिंग और कहीं ये बताएंगे फेब में क्रेडिट सेल से कितनी कलेक्शन है। सही, पूरा प्रोफार्मा तो बनाने नहीं आ सकता, मैनुअल एग्जाम तो नहीं है, लेकिन सीबी एग्जाम है तो कोई भी मिसिंग वैल्यूज आपको पूछी जा सकती है। अब इसमें दो मसले आते हैं। पहला मसला आता है क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट, वो हम निपटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट सेल्स की जो पॉलिसी दी हुई है उसमें ये लिखा हुआ है 40% ऑफ कस्टमर पे इन वन मंथ टाइम। थर्टी परसेंट ऑफ कस्टमर पे इन टू मंथ्स टाइम, रिमेनिंग कितने बचे? 30। 30। उसमें लिखा हुआ है 28% ऑफ कस्टमर विल पे इन 3 मंथ्स टाइम, बाकी 2% कहाँ गए? 2% हो गए बैड डेट्स। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको डेटा दे देता हूँ सेल्स का, मंथ सेल्स जनवरी, बल्कि जनवरी नहीं, चलें जनवरी ले लेते हैं, जैन फेब मार्च और अप्रैल मई। 10,000 की सेल्स हुई, 25,000 की सेल्स हुई, 40,000 की सेल्स हुई, 30,000 की सेल्स हुई और 50,000 की सेल्स हुई, पॉलिसी ऊपर वाली ना। और एज्यूमिंग 20% ऑफ सेल्स इज इन कैश, जो भी सेल्स होती है उसका 20% हमेशा कैश के अंदर होता है,
ठीक है, प्रिपेयर कैश बजट रिसेप्ट पार्ट फ्रॉम फैब टिल में, ये बनाना। तो हमारे पास जो रिसीट्स हैं वो दो हैं, एक कैश सेल्स है और दूसरा जो कस्टमर से हमें क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट पैसा आएगा। तो हमने अपना प्रोफॉर्मा सेट किया फेब मार्च अप्रैल एंड में, 4 महीने का बजट बनाना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया रिसीट्स, कैश रिसीट्स आ गई। अब कैश कैलकुलेट करते हैं, फेब के अंदर सेल्स कितनी है, 25,000। 25,000 का 20% कितना होता है, 5,000। सिमिलरली मार्च में है 40,000, 40,000 का 20% 8,000। अच्छा जी, फिर अप्रैल में 30,000, 30,000 का 20% 6,000 और 50,000 का 20% 10,000। उसके बाद कैश फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, अब इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी क्योंकि जो पॉलिसी में बता रहा हूँ उसमें 40% इन 1 मंथ्स टाइम और 28% इन 3 मंथ्स टाइम। अब हम एक वर्किंग कर लेते हैं, यहाँ पर हमें जो चाहिए फॉर एग्जांपल वो चाहिए फेब के लिए, मार्च के लिए, अप्रैल के लिए और मई के लिए, और हमारी जो सेल्स स्टार्ट हो रही हैं वो जनवरी से स्टार्ट हो रही है। तो अब जनवरी की जो सेल्स हैं वो हैं 10,000 ना, तो 10,000 का पहले हम निकाल लेते हैं 80%, कितना हो गया, ये क्रेडिट सेल्स होगी। पॉलिसी क्या है, 40% जो है अगले महीने में रिसीव होगा, अब इसका 40% निकालें, 3,200 में फेब में दिखा दूं, अब इसका 30% निकालें, 3,200 नहीं नहीं 8,000, अब 8,000 का 28%, 2,240 मई में तो कुछ भी नहीं आएगा ना, सही है। अब इसी तरह फेब के ऊपर आ जाएं, फेब की जो टोटल सेल्स थी वो थी 25,000 की, तो 25,000 का 80% होता है 20,000। अब 20,000 का 40% निकालो, 20,000 का 30% निकालो, फिर 20,000 का 28% निकालो, कितना होता है 5,600, सही है। ये फेब हो गया, मार्च में 40,000 थी, तो 40,000 का 80% क्रेडिट सेल्स होती है, यानी कि 32,000। अब 32,000 का 40% 12,800 किस मंथ में आएगा, आएगा। अब इसका 30% 9,600 ठीक है। अब अप्रैल का नंबर आया तो अप्रैल की सेल्स है हमारे पास 30,000, क्रेडिट सेल्स कितनी होंगी, 30,000 का 80% 24,000। अब इस 24,000 का 40% निकलेगा 9,600,
अच्छा मई की क्रेडिट सेल्स तो जून में जाएगी ना, अब इसको टोटल कर लें वर्टिकली 3200, और ट्वेंटी 1040 अगला होगा, नहीं 24800 होगा, 5600 भी है ना। हाँ तो 9600 2 है और 8500 6। हाँ दोनों को प्लस करो, सही है 24800। अब ये फिगर उठा के ऊपर कॉपी कर देते हैं, 3200, 10400, 3200, 10400, और उसके बाद 2140, 24800। अब इनको कंबाइन कर लेते हैं, ये रिसीट सेट हो गए हमारे, ठीक है। अच्छा बाज दफा इसके अंदर जो है ना वो डिस्काउंट दिया हुआ होता है, फॉर एग्जांपल इस पेज इन 1 month's टाइम 2% डिस्काउंट विल बी ऑफर्ड। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जनवरी की क्रेडिट सेल्स हैं 10,000 और हमारी पॉलिसी है कि 1 month जो है वो 50% 1 month में पे करेंगे और रिमेनिंग जो होंगे वो 50% 2 months टाइम में पे करेंगे, तो हम क्या दिखाएंगे फेब के अंदर, हम क्या दिखाएंगे सही कर रहा हूँ। इसलिए कि 2% डिस्काउंट मिल जाएगा उनको, इसको अगर हम 2% की अमाउंट माइनस करके दिखाएंगे एक ही बात है, लेस डिस्काउंट करते हैं। हाँ लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है तो ये 98 वाला कॉन्सेप्ट सही चलता है, टाइम भी कम लगता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। चलिए अब कुछ सवाल देख लेते हैं, ये देखें अ बिजनेस हैज एस्टिमेटेड दैट 10% ऑफ इट्स सेल्स विल बी कैश सेल्स एंड द रिमाइंडर इट्स क्रेडिट सेल्स, इट इज ऑल्सो एस्टिमेटेड दैट 50% ऑफ द कस्टमर विल पे इन 1 month, 30% 2 month आफ्टर सेल्स एंड 15% इन 3 month आफ्टर सेल्स एंड 5% विल बी बैड डेट्स। और आपको सेल्स दी हुई है, कहाँ से शुरू कर रहा है वो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मंथ प्रिपेयर अ मंथ बाय मंथ बजट फॉर ईच कैश रिसीप्ट फॉर द मंथ जनवरी टू मार्च। इसको चाहो तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ताकि फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। हमें जनवरी टू मार्च का बजट बनाना है, ले लिया।
चलो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा बजट का। तो कैश बजट हमें बनाना है, मंथ कौन सा है, जनवरी टू मार्च, सबसे पहले हम कैश सेल्स दिखाएंगे। अच्छा कैश सेल्स कितनी है, 10%। अब बताओ कितनी लूं कैश सेल्स, जनवरी में कैश सेल्स कितनी लूं, फाइव थाउजेंड, करेक्ट, फाइव थाउजेंड। फैब की बताओ, फैब की 6,000 आ गई, सही है। और मार्च की 9,000, सही है। और कैश फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, अब इसकी वर्किंग करते हैं। पॉलिसी क्या है, 50% ऑफ द कस्टमर विल पे इन वन मंथ्स टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर वाले 50% नवंबर में पे करेंगे, रिमाइंडर दिसंबर में देंगे, और जो 15% होगा वो जनवरी में पे करेंगे। तो अक्टूबर की क्रेडिट सेल्स कितनी है, 80,000 है ना टोटल सेल्स, उसका 90%, उसका 15%, बताएं 10,800। अच्छा जी नेक्स्ट पे आ, नवंबर में 60,000 की सेल्स थी, तो 60,000 का 90% का 50% तो दिसंबर में आ जाएगा, और 30% जो होगा वो जनवरी में आएगा। एक तो ये वर्किंग होगी और दूसरी वर्किंग होगी 15%। आंसर बताएं, सही है। अब आ जाए दिसंबर के ऊपर, 40,000 की सेल्स है, और 40,000 का 90% का 50%, फिर 30%, और फिर 15%, पहले वाले का, दूसरा 10,800, तीसरा 5,400, सही है। अच्छा जी उसके बाद जनवरी का नंबर आएगा, 50,000 की टोटल सेल्स है, इसका 90% का 50% फेब में आएगा, और 30% मार्च में आ जाएगा, 22,500। 6,750। उसके बाद फेब आ गया, 60,000 की सेल्स है, 30% का आएगा 13,500, 6,750 की जगह, सही है। सत्ताईस हजार
अब इसको टोटल कर लें। कितना दूसरा? 47 या 41? 47,400। अच्छा 47,400। हाँ 41,400। नहीं फैब में भी तो है ना। मैंने उसको काउंट नहीं किया था, दोबारा कैलकुलेट कर लूं। ये आ गया आंसर, सही है। शो जी चलते हैं कैश मैनेजमेंट मॉडल्स के ऊपर। पहला हमारे सिलेबस में है जनाब मिलर और मॉडल्स। ये जो कैश मैनेजमेंट मॉडल्स है ना, ये प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं कि कंपनी को कितना कैश होल्ड करना चाहिए। ऐसा ना हो कंपनी बहुत ज़्यादा कैश होल्ड कर ले तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी कि उसको कहीं इन्वेस्ट किया जा सकता था, कंपनी ने इन्वेस्ट नहीं किया। और अगर कैश शॉर्टेज हो गई तो कंपनी को ओवरड्राफ्ट लेना पड़ेगा, उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट होगी। तो जो मिलर और मॉडल है इसका बेसिकली ग्राफिकल तो मैं पहले बताता हूँ रिप्रेजेंटेशन के। इसका आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास ना हमेशा एक मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, सही है, और एक मिनिमम लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। कैश इस मैक्सिमम को क्रॉस नहीं करना चाहिए और इस मिनिमम से नीचे नहीं जाना चाहिए, और बीच में कहीं पर ना किसी पॉइंट के ऊपर रिटर्न पॉइंट होना चाहिए। रिटर्न पॉइंट का मतलब है अगर कैश आउट हो रहा हो ना तो उसको यहां पर आना चाहिए दोबारा। अब ये कुछ अब देखो, ये देखो ये कैश आउट हुआ बाहर निकल रहा है, तो कंपनी कुछ ऐसा स्टेप लेगी कि दोबारा नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगर कैश यहाँ आया तो कंपनी कुछ ऐसा स्टेप लेगी कि बाउंस बैक होकर दोबारा ये रिटर्न पॉइंट के आसपास रहना चाहिए, सही है। तो कंपनी दो जगह एक्शन लेगी ना, एक कंपनी यहाँ एक्शन लेगी और एक कंपनी यहाँ एक्शन लेगी है। अब इसकी वैल्यूएशन करने के लिए कुछ कैलकुलेशन है, फॉर्मूला एग्ज़ाम के अंदर गिवन होता है इसका ना, फॉर्मूला अजीब सा है। तो पहले मैं फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूँ। अपर लिमिट निकालने का फॉर्मूला, अपर लिमिट पूछेगा वो आपसे, तो अपर लिमिट अगर पूछी जाए तो हम उसको निकाल के देंगे लोअर लिमिट, ये एग्जाम में गिवन होगी। स्प्रेड, स्प्रेड निकालने का फॉर्मूला,
ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एग्जाम में गिवन होता है। अब इस फॉर्मूले में जो वेरिएबल्स हैं, एक ये वेरिएबल है, दूसरा ये वेरिएबल है और तीसरा ये वेरिएबल है। देखो जितनी जितना इसके अंदर ना ये ग्राफ नजर आ रहा है, जितना इसका मिनिमम और मैक्सिमम का गैप कम होगा ना, तो हम बार बार ऊपर नीचे मूव करेंगे, और जितना गैप ज्यादा होगा उतना ऊपर नीचे मूव करना कम होगा। तो जब हम यहां पर आएंगे तो हम क्या करेंगे, जब कैश सरप्लस हो रहा होगा ना, तो स्ट्रेटेजी क्या होगी, बाय सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज बाय करने की एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी, और जब इधर आएंगे ना तो एक्शन होगा सेल सिक्योरिटीज, और उसकी भी एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी। इसका मतलब है आपका जो स्प्रेड है वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो है वो कभी कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका स्प्रेड क्या है। स्प्रेड क्या है, मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस, इसको स्प्रेड कहते हैं। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम का जो डिफरेंस है ये किस पे बेस कर रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे बेस कर रहा है, कैश फ्लो की वेरिएबिलिटी पे बेस कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट पर डे पे बेस कर रहा है। तीन वेरिएबल पे बेस कर रहा है जिसको यूज करते हुए इसने ये स्प्रेड बनाया। रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला होगा, ये स्प्रेड और रिटर्न पॉइंट का फॉर्मूला गिवन होता है। लोअर लिमिट वन थर्ड ऑफ स्प्रेड, ये तीन फॉर्मूले हमने इस्तेमाल किए, अपर लिमिट, स्प्रेड और रिटर्न पॉइंट। अब डेटा ले लेते हैं किसी क्वेश्चन से। और जी बिल्कुल होता है, जो कंपनी बहुत एक्यूट प्लानिंग करती है ना वो इस्तेमाल करती है। हर बिजनेस नहीं करता ऑब्वियसली। अब ये देखें, सवाल देखें, An entity is wishing to control its cash balance more efficiently and has given you the following information. Management has decided on a minimum current account balance of 1500. ये lower limit हो गए। The entity's cash flow has a daily standard deviation of 300 and so the daily variance is 90,000. Variance is the square root of standard deviation. ये स्टेटिस्टिकल एक टर्म है, हमें फॉर्मूले में वेरिएंस चाहिए होता है। देयर इज अ $5 ट्रांजैक्शन चार्ज एवरी टाइम मनी इज स्विच्ड बिटवीन डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट और वाइस वर्सा। द एनुअल इंटरेस्ट रेट इज 12% एंड पर डे इंटरेस्ट रेट इज 0.033%। कैलकुलेट द स्प्रेड, अपर लिमिट, रिटर्न पॉइंट एंड हाउ मच मस्ट बी transferred from the accounts when the upper and lower limits are reached. इसकी भी ले लो स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसके सॉल्व करता हूँ। अच्छा वो जो बुक है ना कैपलान की, वो ड्रॉप बॉक्स में रखी हुई तो है। अच्छा, और मैंने तुम्हें ईमेल भी कर दी थी। ईमेल देख ली थी मैंने। हाँ वैसे ड्रॉप बॉक्स में भी रखी हुई। अच्छा जी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम निकालते हैं स्प्रेड। तो स्प्रेड का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से हमारे पास है 3 बाय 4 वेरिएंस था, ट्रांजेक्शन कॉस्ट थी, इंटरेस्ट रेट पर डे कितना था, 0.033% है ना,
कैलकुलेट करो, पहले तुम किसको कैलकुलेट करोगे, पहले तुम इसको कैलकुलेट करोगे, सही, जो आंसर आएगा उसको इससे डिवाइड करोगे, उसको फिर 1/3 करोगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए प्रॉपर। नहीं कैलकुलेटर चाहिए तो उसमें तुमने सबसे पहले एक काम करो, 3/4 का आंसर निकालो, 0.75 को 90,000 से मल्टीप्लाई करो और 5 से मल्टीप्लाई करो, 337500, सही है। अब आप 0.033 को 100 से डिवाइड करो, ये आता है, ये बन गया। अब जो आंसर आया तुम्हारा 337500, उसको डिवाइड करो 0.000 और इसका 1/3 निकालो, नीचे 0000, 000 नहीं, 1/3 करो, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है, कोई बात नहीं, 34090909 आ रहा है। अच्छा 000 है नीचे ना, हाँ हाँ 000, 000 है। देखो फाइनल आंसर आएगा 3023, फाइनल आंसर आएगा 3023, तो रीचेक कर लेना, इसका जो आंसर आना चाहिए ना स्प्रेड का 3023 आंसर आना चाहिए। इसमें कैलकुलेशन क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है तो इसलिए गड़बड़ होती है कैलकुलेशन, सो 337500 का अगर मैं डिवाइड करूं 00033 तो ये आता है इतना आंसर। अब इसका 1/3 का मतलब क्या होगा, मेरे पास इसमें कैलकुलेटर नहीं है ना, जब इसको 1/3 करोगे ना ये छोटा हो जाएगा आंसर, और उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर देना, एज्यूम कर लेते हैं आंसर सही है 3023, तो अपर लिमिट निकाल लेते हैं, अपर लिमिट का फॉर्मूला क्या है, लोअर लिमिट प्लस स्प्रेड, लोअर लिमिट कितनी दी हुई सवाल में, फिफ्टीन हंड्रेड में ये प्लस कर दो, ये इसकी मैक्सिमम लिमिट आ गई। अब रिटर्न पॉइंट निकाल लेंगे, उसका फॉर्मूला था लोअर लिमिट प्लस 1/3 ऑफ स्प्रेड, इसका आंसर निकालो, ये कितना होगा,
2507 ये तीन वैल्यूज हमारे पास आ गई, स्प्रेड आ गया, अपर लिमिट आ गई और रिटर्न पॉइंट आ गया। अब उसने पूछा था ये बताएं कि स्ट्रेटजी क्या होगी, तो मैं इसका ग्राफ बनाऊं। इसमें मैंने लोअर लिमिट दिखा दी 1500 की, राइट, और अपर लिमिट दिखा दी अप्रॉक्सीमेटली 4523। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो स्प्रेड हो गया, और रिटर्न पॉइंट दिखा दिया मैंने समवॉट इधर, टू फाइव डबल जीरो। अब होगा क्या, अगर मेरा कैश फ्लो यहाँ पहुंच जाता है तो मैं इसे कहाँ लेकर आऊंगा दोबारा, रिटर्न पॉइंट पर। तो मैं क्या करूंगा, 2000 का की सिक्योरिटी परचेज कर लूंगा, और अगर मेरा कैश फ्लो यहां आ जाता है तो यहां लाने के लिए मैं क्या करूंगा, बाजार की सिक्योरिटी सेल करूंगा इस आंसर के हिसाब से, सही है। बस इसकी कैलकुलेशन ट्रिकी है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ होता है स्टूडेंट को, और फॉर्मूला एग्जाम में गिवन मिलेगा तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद हो जाता है, सही है। अच्छा, एक कल हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पढ़ी थी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से ड्राइव किया हुआ एक मॉडल है जिसको कहते हैं बॉमल्स मॉडल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या था, ये था, इसी को पैरेलल बनाकर बॉमल्स ने फॉर्मूला ड्राइव किया है कैश मैनेजमेंट के लिए, सेम फॉर्मूला। यहां पर इसने इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कंसीडर किया, इसको इसने एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कंसीडर किया, और इसको इसने होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश, होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कैश दैट इज इंटरेस्ट, और क्यू है हाउ मच कैश इज टू बी रेज्ड, अगर लोन लेने की बात की जाए, और अगर डिपॉजिट की बात की जाए तो हाउ मच कैश इज टू बी डिपॉजिट। ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है मॉडल, हमें ये डिसाइड करना है कि हम एक ट्रांजेक्शन में कितना बोरो करें, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर हमें ये डिसाइड करना है कि सरप्लस है एक ट्रांजेक्शन में कितना डिपॉजिट करें, उसके लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा, होगा क्या, अगर हम बार बार बोरो करेंगे तो हमारी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, लेकिन हमारी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी तरह अगर हम कम बोरो करेंगे तो हमें कैश ज्यादा होल्ड करना पड़ेगा, उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट वो बढ़ जाएगी। तो इसने उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये मॉडल डेवलप किया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बस इससे ज्यादा इसकी वो नहीं है इंपॉर्टेंस। एन एंटिटी जनरेट्स 10,000 पर मंथ एक्सेस कैश, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट करने की बात करेगा, which it intends to invest in short-term securities. The interest rate it can expect to earn on the investment is 5% per annum. Transaction cost associated with the each separate investment is
$50. What is the optimum amount of cash to be invested in each transaction? ये इसने क्यों पूछा है? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. डेटा ले लेते हैं 10,000 पर मंथ. तो 10,000 पर मंथ हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई? अवेलेबल कैश कितना हो गया एनुअली? 1,20,000 का. ट्रांजेक्शन कॉस्ट कितनी थी? 50. और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है? 5%. अब हमें फाइंड आउट करना है कि हम एक गो में कितना डिपॉजिट करें. इसका आंसर निकाल. $15,492 पर ट्रांजेक्शन. हर महीने कितना रिसीव होता है? 10,000. इसका मतलब है तकरीबन डेढ़ महीने में जाकर हम जो ना एक ट्रांजेक्शन डिपॉजिट करवाएंगे बैंक के अंदर. सही है. दूसरी रिक्वायरमेंट थी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन निकालो. तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, वहां पर ईओक्यू में हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालते थे ना, उसका फॉर्मूला था डी अपॉन क्यू. यही फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा. सो डिमांड है 1,20,000 और एक ट्रांजेक्शन में हम 15,492 जमा करवाते हैं. नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन साल में कितनी होंगी? यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8 ट्रांजेक्शन होंगे. और कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन पूछी थी उसने, ऑर्डरिंग कॉस्ट. उसका फॉर्मूला क्या था? इसको सॉल्व करें. कितना होगा? 380. ये टोटल ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी. अब इसके कुछ सवाल देख लेते हैं. अच्छा ये देख लें, थोड़ी सी थ्योरी है कि अगर कंपनी ने कैश बजट बनाया और उसको ऐसा लगता है कि आगे जाके डेफिसिट ज़्यादा आ रहा है, सही है, तो उसको क्या मेजर्स लेने चाहिए? तो ये कुछ मेजर्स लिखे हुए हैं कैश फ्लो प्रॉब्लम्स को ईज आउट करने के. नंबर वन, कंपनी एडिशनल शॉर्ट टर्म बोरिंग प्लान कर ले, बैंक से ओवरड्राफ्ट की लिमिट इन्हेंस करने की बात करें. अगर कंपनी के पास कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको बेच दे ताकि कैश फ्लो बेहतर हो जाए. अगर फॉर एग्जांपल मशीन खरीदनी है तो बोरो करने के बजाय, लोन लेने के बजाय लीजिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएं ताकि कैश फ्लो इनकर्ड ना हो.
कुछ ऐसा कैश फ्लो होता है जो हमारे हाथ में होता है, जैसे डिस्क्रिशनरी कैश फ्लो कहते हैं, उसको आगे पीछे कर दें। फॉर एग्जांपल डिविडेंड की पेमेंट कम कर दें, इससे कैश फ्लो बेहतर हो जाएगा। मशीन खरीदनी है तो उस डिसीजन को पोस्टपोन कर दें। कोई नॉन करेंट एसेट सरप्लस में रखा हुआ है तो उसको बेच दें। इन्वेंट्री के डेज रिड्यूस करें, GIT इंट्रोड्यूस कर दें। रिसीवेबल का कलेक्शन टाइम रिड्यूस करें बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, फैक्टरिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग। पेबल का जो पेमेंट है उसको डिले कर दें। तो ये सारे मेथड्स अच्छे हैं, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली आपका जो शॉर्टेज होगी वो मैनेज की जा सकती है। किट के एक दो सवाल देख लेते हैं। ये देखें, कैश फ्लो फोरकास्ट क्वेश्चन नंबर 1। EX इज प्रिपेयरिंग इट्स कैश फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी लेफ्ट आउट ऑफ इट्स कैलकुलेशन। कौन सा एक इसे कंसिडर नहीं करना चाहिए बजट बनाते हुए? हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स लेते हैं ना, तो कौन सा इसमें रिसीट्स और पेमेंट्स नहीं है? टैक्स तो पेमेंट्स लेंगे, रेंटल पेमेंट्स भी लेंगे, रिसीट्स ऑफ अ न्यू बैंक लोन भी लेंगे। ये जो गेन है ये कैश फ्लो नहीं है जब तक बिक ना जाए। अच्छा जी, AB इज प्रिपेयरिंग इट्स कैश बजट फॉर द नेक्स्ट मंथ। द अकाउंट रिसीवेबल एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी 4,60,000। ये बिगनिंग में रखा हुआ है। बजटेड सेल्स 5.4 मिलियन की है पूरे साल की। 80% ऑफ बजटेड सेल्स क्रेडिट के ऊपर है, रिमाइंडर कैश के ऊपर है और एक महीने का पेमेंट टर्म्स है। व्हाट आर द कैश रिसीप्ट्स फ्रॉम कस्टमर नेक्स्ट डे? ट्वेंटी परसेंट तो इसी साल रिसीव हो जाएगा और 80% जो होगा उस 80% में एक महीने का आउटस्टैंडिंग रह जाएगा। और जो बिगनिंग में रिसीवेबल्स हैं साल के बिगनिंग में वो भी कलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास जो कैलकुलेशन के लिए डेटा है उसके हिसाब से अगर हम जाएं तो डेटा में यहाँ लिख देता हूँ, ब्रॉट डाउन रिसीवेबल कितने थे, 4,60,000। टोटल सेल्स 5.4 मिलियन। कैश सेल्स 20% और क्रेडिट सेल्स 80% 1 मंथ क्रेडिट। कितना कैश कलेक्ट होगा? कैलकुलेट करो।
रिसीवेबल्स का क्या करेंगे? वाला तो 1080000 होंगे कैश 20%। ओपनिंग रिकवर हो जाएगा? ऐसा लिखा हुआ तो नहीं, यह मॉड्यूल का नहीं। अंडरस्टूड बात है ना, 1 महीने का क्रेडिट होता है तो जितना रिसीवेबल बिगिनिंग में था वो तो अगले महीने कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये तो कलेक्ट हो जाएगा। कितना सही है? कैश सेल्स कितनी है? 20% किसका? 5.4 मिलियन का। दोबारा बोलो कितना होगा? और क्रेडिट सेल्स 12 महीने की है ना? एक महीने की सेल्स निकालो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, समझ में आया? 11 से मल्टीप्लाई क्यों किया? 1 महीने आउटस्टैंडिंग होता है ना, तो 12 महीने की सेल्स में से 11 महीने तो कलेक्ट हो चुके होंगे, 1 महीना रह जाएगा, इसलिए 11 से मल्टीप्लाई किया। सही है? अच्छा जी, अगला सवाल देंगे। एन एंटिटी इज प्रिपेयरिंग इट्स कैश फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैलकुलेशन? एक्सपेक्टेड अगला आइटम देंगे, ये भी सेम सवाल है। अगला देखें, कौन सा बेहतर सॉल्यूशन है? फाइनेंस लीज पे एसेट ले लिया जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेक श्योर शेयर इशूज, नेगोशिएट विद द बैंक शॉर्ट टर्म लोन टू कवर द डेफिसिट। लास्ट वाला ऑप्शन तो बेकार है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी बेकार है। ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ए है या सी है? नहीं कर सकता, मुझे डिविडेंड को आपने बताया था कि डिले कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर ना, हमारा जो मसला आ रहा है ना, वो मसला आ रहा है कि अगर मशीन परचेज करने जाते हैं तो उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी, तो उसकी पेमेंट के लिए कैश फ्लो अगर फॉर एग्जांपल शेयर्स की फॉर्म में रेस किया जाए तो ये तो प्रॉब्लम का हल नहीं है ना। शेयर्स तो आप वैसे भी रेस कर लें, ओवरड्राफ्ट भी ख़त्म कर सकते हैं शेयर्स रेस करके, तो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन ये है। इससे क्या होगा कि
कि जो मशीन का आउटफ्लो है ना वो बच जाएगा, और लीजिंग में नॉमिनल से रेंट देने पड़ेंगे हर साल, तो हमारी हर साल की रिक्वायरमेंट बैलेंस हो जाएगी, डिविडेंड भी नहीं देना पड़ेगा इसके ऊपर। ये देखें 22.6 ओपनिंग रिसीवेबल्स दिए हुए, क्रेडिट सेल्स दी हुई है, रिसीवेबल डेज दिए हुए, और एज्यूम कर लें कि 1 अप्रैल 2006 के जो आउटस्टैंडिंग थे वो रिसीव हो चुके हैं, कोई बैड डेट्स नहीं है, कोई डिस्काउंट नहीं है। हाउ मच कैश कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर? इसका एक तरीका बताऊं तुम्हें, मैं डेटर्स का अकाउंट बना लिया जाए, और डेटर्स का जब हम अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स अगर हमारे पास ये आ जाएं, और क्रेडिट सेल्स यहां पर आ जाए, तो ये क्या होगा, कैश रिसीव इससे निकल सकता है। तो अब हमारे पास डेटा के अंदर क्या है, जो डेटा हमारे पास दिया हुआ था, ओपनिंग बैलेंस था 22,000 और क्रेडिट सेल्स थी 290,510, उसको हम प्लेस कर देते हैं, दोबारा अकाउंट बना लेते हैं। टू क्या था यार, 22,000 और सेल्स थी 290,510। कैरेट डाउन जो दिया ना वो बताया नहीं उसने, और उसकी जगह उसने बताया कि एयर एंड के ऊपर जो रिसीवेबल्स हैं वो 49 डेज के हैं। अब ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तो कैश कहाँ से आएगा? तो ये जो सेल्स दी हुई हैं ये 365 डेज की हैं, अगर इसको 49 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एंडिंग डेज के रिसीवेबल्स आ सकते हैं। निकालो, थ्री एट ट्रिपल नाइन पॉइंट 39,000 हो गया अप्रोक्सीमेटली। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, इनको प्लस करो, इसको माइनस करो, क्या आंसर आ रहा है? 273,510। दोबारा बोलो, 273,510। 273,510 आंसर इज बी। बार दफा डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, बार दफा अकाउंट बना के सॉल्व होगा। सही है, तो ये हमारा कैश मैनेजमेंट